हेलो फ्रेंड्स, आज हम बच्चों की बीमारियों से हटकर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। वो है फीडिंग चिल्ड्रन, मतलब कि किसी एज में बच्चे को दूध या फिर किसी लिक्विड से बढ़कर जो है हम क्या चीज़ें खिलाएं और कैसे खिलाएं, यही हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। आज की बिजी लाइफ में वर्किंग मदर्स के साथ साथ इवन घर पे रहने वाली मदर्स भी अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए बच्चे को 1 साल का होने के बाद भी जो है बॉटल फीड की हैबिट पे ही मेंटेन रखना चाहती हैं, ताकि अपने क्योंकि उनको खुद उसमें आराम लगता है। और इससे क्या होता है, बच्चा अकेले दूध पर ही बढ़ता रहता है, जिस वजह से क्या है, बच्चों को बहुत सारे असेंशियल एलिमेंट्स की कमी जो है उनकी बॉडी में हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि जो सॉलिटरी फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग तो है नहीं है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मदर्स थोड़ी इग्नोरेंट भी कई बार हो जाती हैं, जिस वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम है कि टाइमली जो है माएँ अपने बच्चों के लिए को जो है लिक्विड फूड से सॉलिड फूड की तरफ नहीं ले जा पाती हैं। इसलिए जो है बच्चे की बॉडी में फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए जो है खाने में बैलेंस डाइट लाना बहुत ही लाजमी है, और इस बात पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि बेबी को फूड की ज़रूरत आखिर क्यों है। तो एज के साथ साथ बच्चों की डाइट बढ़ती है, ख़ास तौर से उनकी बॉडी की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट जैसे कि आयरन, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत बच्चों को जो है उम्र के साथ साथ बढ़ने लगी जब लगती है, तब वो जो है अकेले माँ के या गाय के दूध के साथ पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जो है 4 से 6 मंथ के बीच में माँ के दूध के साथ साथ बच्चों को हल्की डाइट, जिसको ज़्यादा चबाने की ज़्यादा के बिल्कुल भी चबाने की ज़रूरत नहीं हो, तो वो बच्चों को देना हमें शुरू करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो कुछ चीज़ों के नाम हम यहाँ पे लेना चाहेंगे, ताकि आप जो है ख़ास तौर से उन चीज़ों से जो है बच्चे को जो है डाइट इंट्रोड्यूस कर सकें। तो इसमें आप जो है बच्चे को दही दे सकते हैं, सूजी की खीर दे सकते हैं, कस्टर्ड दे सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूस दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप जो फ्रेश बना हुआ हो वो दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, बनाना, पपाया, मैंगो, एप्पल, ये सब फ्रूट जो है मैश करके आप जो है अच्छे से बच्चे को दे सकते हैं। तो बच्चे का खाना बनाने के लिए एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है वो है हाइजीन मेंटेन रखना, क्योंकि अगर बच्चे का खाना साफ तरीके से नहीं होगा तो वो खाना खिलाना हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि आप उसके साथ ही बच्चे को बहुत सारे जर्म्स भी इंट्रोड्यूस कर रही हैं। तो बच्चे का खाना बनाने के लिए सफाई सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहले आप जिस भी बर्तन में जो है बच्चे का खाना बना रहे हैं, वो बच्चा बर्तन जो है बहुत अच्छे से आपको साफ़ करना है, और बर्तन के साथ साथ आपको अपने खुद के हैंड्स भी जो हैं बहुत अच्छे से वॉश कर लेने हैं। जो भी खाना आप बनाएंगे वो हमेशा फ्रेश फूड होना चाहिए, चाहे वो जूस है, सूप है, खीर है, कुछ भी आप बच्चे को दे रहे हैं। फिर भी अगर बच्चे को खिलाने के बाद थोड़ा बहुत खाना बच गया है और वो खाना आपने 2 घंटे से ज़्यादा रखा है और आप फिर से बच्चे को उसको खिलाना चाहते हैं, तो आपको जो है वो खाना बहुत अच्छे से दोबारा गर्म करना है, और अगर उसमें दूध का कंटेंट है तो आपको वो चीज़ फिर से उबाल ही लेना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप किस टाइम पे जो है बच्चे को कैसे जो है खाना स्टार्ट करेंगे और कितना खाना आप बच्चे को देंगे। तो इस चीज़ का जवाब ये हो सकता है कि स्टार्ट में जब आप बच्चे को सॉलिड फूड देना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप उसको 1-2 चम्मच से स्टार्ट करेंगे। 2-3 दिन जो है आप उसकी वो स्पून्स को जो है धीरे धीरे बढ़ाते हुए 8-10 स्पून तक जा सकते हैं, और जब आपको 1 हफ्ता हो जाए बच्चे को सॉलिड फूड देते हुए तो आप एक
डाइट जो है बच्चे की, वो स्मॉल एक कटोरी जो है बोल के साइज़ में खाना जो है बच्चे को आराम से आप खिला सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी उस सॉलिड फूड के लिए एडजस्ट कर लेती है तब तक। कभी कभी बच्चे जो हैं कोई नए टेस्ट के लिए अडेप्ट होने में थोड़ा समय लगाते हैं, क्योंकि उनका जो है टेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ हुआ। तो जब हमें कि उसमें क्या करना है, हमें उसमें जो है वैरायटीज इंट्रोड्यूस करते रहनी है, ताकि धीरे धीरे बच्चे को उस डाइट का, उस टेस्ट का जो है यूज़ टू बच्चा हो जाएगा, और फिर वो खुशी से उसको जो है खुद ही खाएगा। शुरू में सॉलिड फूड जो है आप बच्चे को दिन में एक या दो बार दें, और धीरे धीरे ये टाइम को बढ़ाते हुए आप जो है उसको 4 से 5 दफ़ा भी आराम से दे सकते हैं। अक्सर बच्चे माँ का दूध पीकर जो है शांत हो जाते हैं, और फिर उनको जो है आपके उस सॉलिड फूड में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो बच्चे को दूध खाना खिलाने के लिए भी आप यही तरीका इस्तेमाल करें कि जिस समय जो है बच्चे को माँ का दूध पिए हुए भी 2-3 घंटे हो गए हैं, मतलब उसको फिर से भूख लगने का समय हो गया है, तभी आप बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश करेंगे, तो ही वो जो है खाना खाने में आपका इंटरेस्ट लेगा। इसके बाद फ्रेंड जो है 6 से 9 महीने का बच्चा जो है क्योंकि जो है थोड़े बहुत दांत निकलने लगते हैं, तो वो चबाने में कैपेबल हो जाता है। तो इस एज में आप बच्चे को बिना मिर्च मसाले का खाना अच्छे से मैश करके दें, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल बॉयल सब्जियाँ आप उसको दे सकते हैं, जैसे कि बॉयल आपने आलू दिया या कोई और सब्जी आप दे सकते हैं जो कि बॉयल्ड हो, जैसे उसमें बॉयल्ड गाजर है, घिया है, तोरी है, इस तरीके की सब्जियाँ भी आप दे सकते हैं बच्चे को। दाल दे सकते हैं, अब आपको दाल का पानी नहीं देना है, अब आप उसको प्रॉपर दाल दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, खिचड़ी, दाल फुलका दे सकते हैं आप अच्छे से, थोड़ा सा दाल में डुबा करके फुलका फुलका बच्चे को दे सकते हैं, तो आसानी से उसको चबा पाएगा। उसके बाद आप बच्चे को कर्ड दही दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, इसके अलावा इडली दे सकते हैं, डोसा दे सकते हैं। इस खाने में अगर आप थोड़ा क्रीम भी ऐड करेंगे तो उससे जो है वो खाना और हेल्दी हो जाएगा। देसी घी आप उसमें ऐड कर सकते हैं खाने में, जो बच्चे को जो है और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस एज में क्या है, आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा हाई वाटर कंटेंट वाला खाना अवॉइड करना है, क्योंकि जैसे कि दाल पाक का पानी या फिर दूध जो दे आप पानी मिला के देते हैं वो नहीं देना है। सूप को अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पे आपको बच्चे को हाई मिनरल कंटेंट देना है, उसके आयरन विटामिन की कमी दूर करनी है। तो यहाँ पर पानी का कंटेंट बढ़ा के देने की कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको, तो इसलिए जो है आपको दूध से बनी हुई भी सॉलिड चीज़ें आप बच्चे को दें, जैसे कि दही है, पनीर है, खोया है, चाहे तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं उसमें, तो उससे जो है वो बच्चे को और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। तो ये तो हुई 9 महीने तक के बच्चे की बात। जब बच्चा 9 से 12 मंथ का हो जाता है तो बेबी अपना टेस्ट डेवलप कर लेता है और अपनी पसंद का फूड की डिमांड कर सकता है। इस एज में जो है हमें खाना मैश नहीं करना है, बल्कि आप बच्चे को जो है बाइट्स तोड़कर उसके सामने प्लेट में खाना रख सकते हैं, और इस तरीके से जो है धीरे धीरे बच्चा माँ के दूध को छोड़कर फुल डाइट को लेना खुद से सीख लेता है, क्योंकि उसका टेस्ट डेवलप हो गया, उसको चीज़ें पसंद आने लगी हैं। तो आपने जो है आपका इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पर यही है कि आपने बच्चे का टेस्ट डेवलप करने के लिए खाने में वैरायटी लानी है, उसके खाने के समय का ध्यान रखना है, उसको क्या चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है, क्या वो खुश होके खा रहा है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप 1 साल की तक जाते जाते अपने बच्चे को हर चीज़ खाना सिखा सकते हैं। और 1 साल से ऊपर का बच्चा तो घर में बनी हुई हर एक चीज़ को बहुत आराम से खा सकता है, इवन उनकी माँ की प्लेट का आधा खाना बच्चा खाने की कैपेसिटी रखता है, अगर आप जो है उसके सब टेस्ट अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी भी है, जैसा कि मैंने कहा कि 1 साल से ऊपर के बच्चे को अगर आप दूध पर ही रखेंगे तो वो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे आपको बच्चे को सॉलिड फूड पे ज़रूर लाना है, ताकि
वो आने वाले अपनी लाइफ के साल में जो उसके ग्रोइंग पीरियड है अच्छे से ग्रो करे और हेल्दी रहे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।